नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में चुनावी बिसात बीत चुकी है। 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, हालांकि ये तारीख अभी बदल भी सकती है। बीजेपी और इनेलो ने चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग की है। सियासी दलों का कहना है कि 1 अक्टूबर की मतदान की तारीख से पहले और बाद में कई छुट्टियां हैं, जिस वजह से कम मतदान हो सकता है, इसीलिए इस तिथि को बदल दिया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले वार पलटवार का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार चरम पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रदेश की हर विधानसभा में मारा हरियाणा, नॉनस्टॉप हरियाणा रैलियां की जा रही हैं। सीएम ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद के लिए हमने हर वर्ग के लिए काम किया है, अपने दरवाजे 24 घंटे हरियाणा वासियों के लिए खोल रखे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रोहतक से लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के जरिए प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरने में लगे हैं। गोहाना में यात्रा के दौरान अपने संबोधन में सांसद हुड्डा ने कहा कि बीजेपी की तानाशाही का अंत निकट है। 1 अक्टूबर को हरियाणा की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। चुनावी रण में जीत हासिल करने के लिए सभी दल पूरे दमखम से जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं वोट बैंक मजबूत करने के लिए भी सियासी दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि इस रण में जीत का सहरा किस किस सिर जाता है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता रामराजे शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामराजे शर्मा जी, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीरज गुप्ता हमारे साथ है। नीरज जी, आपका भी चर्चा में बहुत स्वागत है। देखिए, रैलियों का दौर जारी है। मेरा सवाल सबसे पहले कांग्रेस से है, हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के जरिए प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, लेकिन चुनावी रणनीतियों के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है? देखिए, हम तो पिछले जनवरी फरवरी से तैयार है कि उससे हमारी जन आक्रोश रैली पड़ी थी, जिसका परिणाम आपको देखने पड़ेगा। लोकसभा में हम 5 सीटें जीती है। कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दे तो बतेरे हैं हमारी तरफ से, तो मुद्दे इतने ज्यादा हैं कि जनता इनके मुद्दों को दे चुकी है। इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, चाहे मैं प्वाइंट टू प्वाइंट इमर से बहस कर ले, हर क्षेत्र में बहस कर ले, हर चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे महंगाई का हो, मेरे पे सब जाता है। मैं तो सारी हर चीज पे बहस करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया देखिए, जब हमारी सरकार थी, हमने महेंद्रगढ़ केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया, 12 नए सरकारी विश्वविद्यालय बनाए, 154 नए पॉलिटिकल कॉलेज खोले, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, 56 नए IIT, 4 नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी सोनीपत में बनाई, 2623 नए स्कूल बनाए, 1 नया सैनिक स्कूल बनाया, 6 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवाए, शिक्षा विभाग में 1 लाख से अधिक नौकरियां दी, 25,000 JBT, 25,000 TGT, PGT, कुल स्टाफ स्कूल के साथ 50,000 यूनिवर्सिटी। ये तो हर ऑन रिकॉर्ड है, खुद भी चेक कर लें आप, चाहे बीजेपी के सुन लिए, एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं खुलवाया, सरकारी विश्वविद्यालय नहीं खोला, कोई पॉलिटेक्निक IIT इंजीनियरिंग कॉलेज खोले तो मुझे बताएं। और दूसरा, 5,000 यूनिवर्सिटी स्कूल बंद कराए, 0 JBT भर्ती, 38,000 टीचर पद खाली है, बताइए। डाइट इन्होंने बंद कर दिया, और डॉक्टर जो अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना थी जो हम चलाते थे, इन्होंने उसके बंद किया। देखिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, और देखिए घबराहट तो इनकी इस बात से पता चलती है। देखिए, आज बीजेपी के दो तारे हैं, इनेलो और जसपा, मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा आपको। बीजेपी ने कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा, उसका समर्थन इनेलो और जसपा ने किया कि हाँ भाई चुनाव पोस्टपोन किए जाए। किस बात का डर रहे हैं? एक तरफ तो कहते हैं हमने काम किया, सरकार है। अब भैया इतनी घबरा गए, आपके प्रदेश अध्यक्ष बड़ोल जी लिख रहे हैं भैया चुनाव आगे एक्सटेंड कर दो। इससे क्या दर्शाता है कि आप हार का सामना कर रहे हो, आपको हार दिख रही है, इसलिए आप चुनाव को पीछे पड़ गए। आप देखिए चुनाव योग के पीछे पड़ गए। अरे भैया बात अपनी बारे में बोलना, वो तो आप देख ही लो, सब टीवी चैनल चल रहा है, झूठ ही बोल रहे हो, वो तो सबको पता है। आपने लेटर लिखा नहीं लिखा? इन्होंने लेटर लिखा चुनाव को पोस्टपोन कराने के लिए। तो इससे क्या पता चलता है कि ये चुनाव हार चुके हैं, वरना ये ऐसा काम ना करते। लेकिन चुनाव एक निश्चित संघर्षता है, तो चुनाव से बिल्कुल संज्ञान मिलेगा। हम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। इनके दामन इनकी पोल खोल दी, भैया चुनाव कर दो, हमारी सरकार जा रही है, वरना ये ऐसा काम ना करते। इन्होंने हर वर्ग को पीटा, हर वर्ग को लाठी से पीटा,
हर बार इनसे बदला लेने को तैयार बैठे हैं। नीरज जी मैडम इनको चुप कराइए ना जी। एक मिनट रामराज जी शर्मा जी, नीरज जी जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका जवाब आपको ही देना है। थोड़ी देर धैर्य रखिए फिर जवाब दीजिएगा जी। नीरज जी अगर ऐसी बात थी मैं इनसे पूछना चाहूंगा भैया आपके बरौली जी ने इलेक्शन कमीशन को क्यों लिखा है इलेक्शन पोस्टपोन किया जाए? क्या दिक्कत है? छुट्टियां सिर्फ आपके लिए हैं क्या? हमारे लिए नहीं है वो तो जो रूल रेगुलेशन है सब पार्टी को एप्लीकेबल होता है तो आपको क्या डर रहा है? ये तो ऐसे लोकसभा चुनाव में भी होता ऐसे तो हर पार्टी कहेगी अपने हिसाब से चुनाव को पोस्टपोन कर दो। आपने क्यों लिखा अगर आप तैयार हो? और आपके तो बड़े भारी भरकम से कहते हैं अनाउंसमेंट करते हैं हम तो इलेक्शन जीत रहे हैं तीसरी बार सरकार आ रही है फिर क्या दिक्कत है? और तभी तो मैं कहता हूं इनालो जिसमें आपके साथी हैं क्योंकि दोनों ने समर्थन किया कि इनालो से पुराना गठबंधन रह चुका है और जसपा से भी अभी गठबंधन आपका खत्म हुआ है। देखिए सिर्फ घोषणा की सरकार है और इनके जो मुख्यमंत्री है घोषणा सीएम के नाम से जाने जाएंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इनकी सरकार जा रही है और कांग्रेस आ रही है। 2 अक्टूबर ये सत्ता से बाहर है 1 अक्टूबर सॉरी इलेक्शन तो देखिए ऑन रिकॉर्ड बात करने की बात किसी और क्षेत्र में मुझे करने पर पूरा डाटा है मैं जब नेक्स्ट टाइम आएगी मैं अपने बारे में पूरा डाटा आपको बताऊंगा। ठीक है जी। नहीं देखिए रामराज शर्मा जी बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है चुनाव की तारीखों का आगे बढ़ाने की मांग की गई है लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि यह बीजेपी की घबराहट को दर्शाता है। देखो ये सरासरी झूठ बोल रहे हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या पत्र लिखा है पत्र की कॉपी भी मेरे पास है उन्होंने ये कहा है लगातार 4-5 छुट्टियां पड़ रही हैं भाई कुछ लोग हो सकता अपने निजी कार्य के लिए कोई तीर्थ यात्रा पर जाए कोई निजी कार्य के लिए बाहर जाए तो इसलिए लिहाजा पिछली बार भी ऐसा होता आया है लिहाजा इलेक्शन की जो तिथि है और डेट है मतदान की उसको आगे बढ़ाया जाए वो उसकी मर्जी है 5 दिन आगे बढ़ाए 10 दिन आगे बढ़ाए वो इलेक्शन कमीशन की मर्जी होती है ये रिक्वेस्ट किया है और ये कह रहा है पोस्टपोन करा जाए। अरे पोस्टपोन में आगे बढ़ाने में तो फर्क है ना तो जनता के सामने झूठ बोल रहा है जनता अनपढ़ थोड़ी है। दूसरा क्या है इनकी काट की हंडी एक बार चढ़ गई आगे चढ़ने वाली नहीं है इन्होंने झूठ बोला आरक्षण बदले आरक्षण खत्म किया जा रहा है इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आएंगे 8,500 रुपए महीना आएंगे झूठे गारंटी कार्ड उन्होंने बांटे खटाखट फटाफट फटाफट वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर रहे ये कहीं दिखाइए नहीं दे रहे वो बहने इनका पीछे पीछे दौड़ रही है। अरे खटाखट वालों भाई वो पैसे तो दे दिया हमारे अरे पैसे तो दे दो हमारे इनकी काट की अंडी एक बार देख दी इनकी जनता जाग चुकी है जनता में रिएक्शन है जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार हमारे देश में काम कर रही है हमारे प्रदेश में काम कर रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी हैं उनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है विदेश में हमारा डंका बजा है विदेश में हमारी धाक जमी है और आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हैं रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या धाम में धारा 370-35 हटाई गई है 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया हमारी सरकार ने। और पहले जी आप विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं और मुद्दे आप देश के गिना रहे हैं प्रदेश के लिए क्या कुछ विकास कार्य किए हैं ये गिनाइए। मैं प्रदेश पे द्वारा हूँ अभी देश की बात करेंगे जब भी तो प्रदेश पाएंगे तीसरी बार हमारी सरकार बनी है क्योंकि वो तो देश में बनी है तीसरी बार और देश तुल्य जनता जनार्दन की शुरुआत से बनी है। ऐसे ही हरियाणा में भी एक प्रथा रही है हरियाणा का इतिहास रहा है जो जिस पार्टी का शासन केंद्र में होता है उस वही पार्टी हमारे हरियाणा में भी सत्ता में आती है देश तुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। ये नौकरियों की बात करते हैं इनको शर्म आनी चाहिए ये नौकरियों की बात करते हैं ये नौकरियां पहले कहां मिलती थी पहले सिर्फ मुख्यमंत्री के क्षेत्र को मुख्यमंत्री के क्षेत्र से बाहर तो नौकरियां नहीं मिलती थी और किस आधार पर परिवारवाद जातिवाद क्षेत्रवाद भाई भतीजावाद हमने इस वाद को तोड़ा आज किसान मजदूर का बेटा गरीब का बेटा जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली को चपरासी नहीं ले जाता आज कलाशों अफसर लग रहा है ये हमारी सरकार लगा रही है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हुए हरियाणा एक हरियाणवी एक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। हमने 56 साल में ओबीसी समाज से सीएम बनाया इन्होंने क्यों नहीं बनाया ये जवाब देना जनता के सामने क्या ये एससीबीसी समाज से सीएम चेहरा डिक्लेयर करेंगे बताइए नीरज एससीबीसी समाज से सीएम चेहरा डिक्लेयर करोगे आप अगर नहीं करोगे तो इसका मतलब ये एससीबीसी समाज के आप विरोधी हो
और विरोधी तो है ही, जनता ने पता है इस बात का। और किसान की जमीन जिस तरह से आप सेक्शन 400 का नोटिस जमा के सस्ते भाव में हड़प लेते थे, महंगे भाव में आप बिल्डर को भेज देते थे, ये किसान जानते हैं, प्रदेश की जनता जानती है इस चीज को। एक एक दो दो रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में आपके टाइम में आते थे, आपको शर्म आनी चाहिए। हम सभी फसलें MSP के आधार पर खरीद रहे हैं, आपने क्यों नहीं खरीदी? ये भी हिसाब दो, आप हिसाब मांगने चले हो, ये भी हिसाब दो। किसान की जमीन आप हड़प के सस्ते भाव में महंगे भाव में बेच के, और जो आपकी पार्टी का दामाद है आपकी, वो इतना एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर कैसे हो गया? जहां जहां आपकी पार्टी का शासन था वहां वहां उसका इतना बड़ा उसका क्या नाम है बिल्डर बन गया, कैसे बन गया? ये भी हिसाब दो, आप हिसाब मांगने चले हो। अरे हिसाब देने के काबिल तो हो जाओ मेरे भाई, हिसाब तो वही मांग सकता है जो हिसाब देने के काबिल हो। क्या OBC समाज से CBC समाज से आप CM चेहरा डिक्लेयर करोगे? ये भी हिसाब दो आप, और ये भी हिसाब दो आप गरीब के बच्चों को, किसान के बच्चों को आपने नौकरियां नहीं दी, ये भी हिसाब दें। हमारी पार्टी में एक किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, एक हमारे ग्रामीण अंचल का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, ये भाजपा में संभव। एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है, ये भाजपा में संभव। आपके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा, MP का बेटा MP बनेगा, CM का बेटा CM बनेगा, और आपके यहाँ भी कांग्रेस में भी कई कांग्रेस हैं, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं शैलजा कांग्रेस है शैलजा बहंदी, कहीं वो चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, और एक कहीं कैप्टन यादव कांग्रेस है। कैप्टन यादव के लड़के ने तो अपने आप को डिप्टी CM ने डिक्लेयर भी कर दिया, ये अपने आप में साबित करता है कि आपकी कांग्रेस से दो बार होने वाली है। आप हिसाब मांगने चले हो, जनता जाग चुकी है, जनता आपकी महंगाई मानने वाली। लेकिन नीरज जी, आप कितना भी पुरजोर तरीके से आत्मविश्वास के साथ बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन बीजेपी गुटबाजी को लेकर काफी मुखर तरीके से प्रहार करती हुई नजर आ रही है। देखिए, गुटबाजी का तो कोई मतलब ही नहीं। JP दलाल ने खुद कह दिया कि भी कांग्रेस सरकार बनेगी उसको 6 महीने बाद गिरा देंगे, तो साबित होते हैं इनके नेता भी मार रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनेगी। अब JP दलाल के बराबर तो ये नेता है नहीं, सिंपल प्रवक्ता है। या तो JP दलाल की बात को डिनाई कर रहे हैं या खुद सच बोल रहे हैं, देखेंगे झूठ का पता है। और 750 किसान के हत्यारे यहाँ बैठ के शर्म नहीं आती डिबेट कर रहे हैं, डाटा पे बात कीजिए, मैं तो पूरा डाटा है। आपने क्या इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया बताइए मुझे? आपके MBBS की फीस को 40 लाख रुपए कर दिया, हमारे कारण में 40,000 रुपए थी, कहाँ चले गए? कोई IMT बनाया तो बताइए, एक भी IMT बनाया उन रिकॉर्ड बात कीजिए, बताइए आप रिकॉर्ड बात कीजिए। आपको कुछ ABCD पता नहीं, आप पे डाटा नहीं, सिर्फ 3-4 बातें भी बोलते रहेंगे कि जमीन हड़प ली, जमीन हड़प ली, भैया मुकदमा कर दो, एक भी दिखाइए मुझे आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी। अगर कोई पर्ची खर्ची का मामला, तो आपके हर प्रवक्ता ही कहते हैं पर्ची खर्ची मुंह पे आया हुआ है, कार्रवाई कीजिए, क्यों नहीं कार्रवाई कीजिए? जब कार्रवाई करते साफ सुन गया था क्या? एक भी IMT स्थापित नहीं करी, एक भी बड़ा निवेश आया तो बिजली क्षेत्र में हमने 5 पावर प्लांट लगाए थे, एक परमाणु सेंटर लगाया था, बताइए आपने एक भी लगाया तो, एक भी पावर प्लांट लगाया तो बताइए। रेल मेट्रो सेवा बता दूं, 81 किलोमीटर रेलवे लाइन बना के हमने मेट्रो को विस्तार किया, 4 शहरों को जोड़ा, आपने 1 इंच भी बढ़ाया बताइए? आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे कि बल्लभगढ़ से आगे बढ़ाएंगे, 1 इंच पिलर आगे बढ़ाए तो बताइए? SC और गरीब के खिलाफ हमने SC समेत 4 लाख गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए, और 3.5 लाख परिवारों को SC समेत दिए आपने। 15,000 ग्रामीण चौकीदार लगाए, 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए, बताइए आपने एक भी गरीब को चौकीदार दिया? 20 लाख गरीब स्कूली विद्यार्थियों को वजीफा दिया, मनरेगा में रोजगार की गारंटी दी, आप बताइए एक भी किया तो आपने? एक भी प्लॉट दिया तो बताइए? आप जाके आपने लागू करा 50-100 रोज के प्लॉट देंगे, कोई पता सरकार जा रही है? कोई काम नहीं किया आपने। ST और ST गरीबर को 1 इंच भी नहीं प्लॉट दी। मनरेगा का बजट आपने आधा किया, बताइए नहीं किया तो बताइए? ST नगर में किसी वर्ग का कर्जा माफ नहीं किया, ST वर्ग के नाम पे कोई शिक्षण संस्थान नहीं बनाया, OBC कल्याण के काम ने कांग्रेस को क्या किया? BC क्लास को 1 से 200 मिलने वाली आरक्षण सीमा को 10% से बढ़ाकर 15% किया, और BCA की क्लास को 1-2% से 10% अलग कर दिया, 100 गज के प्लॉट, वजीफा, पक्के मकान देने की योजना BC में ए वर्ग को शामिल किया, आपने क्या किया बताइए? BC क्लास से 1 से 2 आरक्षण में कोई बढ़ोतरी नहीं की, क्रीमी लेयर घटा दी, बाद में आप जाके बढ़ाई आपने, बताइए क्यों किया जब सरकार जा रही है? आपने कोई काम नहीं किया किसानों के लिए, किसानों के 1600 करोड़ के बिजली बिल हमने माफ किए, और 2200 करोड़ का कर्जा माफ किया, ऑन रिकॉर्ड है। आपने क्या किया बताया? कितने कर्जे? और गेहूं की MSP में 126% की बीटी करी, जो आप झूठी बात करते हैं 24 फसलों कर दिया, उसमें 8-10 फसलें तो रहने में होती नहीं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं बैठ के।
एक भी किसान की बिजली का बिल आपने कर्जा माफ किया तो बताइए, मुझे बताइए, और बताइए किस पे डिबेट करेंगे। मेरे पे सारा डाटा, आज मैं पूरा डाटा लेके आया हूँ। गेहूं पे 39% और धान पे 54% MSP बढ़ाई हमने, अब जाके आपने बढ़ाई है। 750 किसान शहीद हुए, MSP की गारंटी का कानून भी लागू नहीं किया, खाद से कट्टे का वजन घटाया, और MBBS 40 लाख रुपए करी आपने। बताइए 40 लाख रुपए क्यों करी? MBBS की फीस जो सपना हुआ करता था, आप गरीब आदमी की बात करते हैं, गरीब आदमी डॉक्टर कैसे बनेगा, इतनी फीस कहाँ देंगे? शिक्षक और लगाइए, शिक्षक भर्ती में महिलाओं का हमने 33% आरक्षण दिया, आपने कितने दिया? महाराज आप पे तो कोई डाटा नहीं, आप तो बोल भी नहीं पाओगे। पुलिस विभाग में 10% आरक्षण दिया, और छात्रों को मुफ्त बस सेवा दी, खिलाड़ी को देश में सबसे ज्यादा इनाम सम्मान दिया, DSP जैसे पद दिए हमने खिलाड़ियों को, आपने कौन सा पद दिया? इतने खिलाड़ी जीत के आए, बताइए। आपने कुछ दी रिश्ती फीस, स्टाम्प ड्यूटी हमने 2% घटाई, आपसे 6 करी लेडीज की और 10 से 8 करी जेंट्स की, आपने क्या करा बताइए? और खून के रिश्ते में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हमने फ्री किया, पत्नी से पत्नी, भाई से भाई, कोई फर्क नहीं है। बताइए महिलाओं के विरुद्ध इनाम में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 है, आपने क्या किया? शिक्षकों के 25,000 पदम खत्म किए, रिश्ती फीस, स्टैंप ड्यूटी बढ़ाई आपने, और हर खिलाड़ी को कुछ सम्मान नहीं दिया। हमारी पद लाओ पद की नीति थी, हमने जो भी पदक लाया उसे पद पे दी, आपने क्या किया बताइए? कांग्रेस लाए पद लाई की नीति लागू करी, DSP पद पे हमने करी, और 750 पदक व्यक्ति हमने खिलाड़ियों को सीधी भर्ती की, SPAT लागू करी। बताइए खेल स्टेडियम परिसर नहीं बना, हमने खेल स्टेडियम बनाया, आपने कौन ऐसे खेल स्टेडियम बनाया बताइए मुझे? एक भी इंच आपने नहीं किया, बल्कि हमारी जो सरकार थी हमने 3% कोटा खत्म किया। आपने महंगाई के मुद्दे पे दिखाइए, सब पड़ोसी राज्यों में सस्ता पेट्रोल डीजल था, वैट सिर्फ 8.9% था, 400 रुपए गैस सिलेंडर था, आपने आप जाके 500 रुपए की सिलेंडर की घोषणा करी है। मिस्टर डिबेट कीजिए आप बातों पे, फालतू बातों पे मत की है, रिकॉर्ड बात कीजिए मुझे आपसे। आपके घोटालों की लिस्ट मेरे पास है, SPM घोटाला, सिगारत घोटाला, शराब घोटाला, जेरली शराब घोटाला, टैक्स आबकारी घोटाला, HSSC भर्ती घोटाला, HPSSC घोटाला, पेपर लीक घोटाला, कैश फॉर जॉब घोटाला, डाउन खनन घोटाला, यमुना खनन घोटाला, ग्वालपाड़ी घोटाला, प्रॉपर्टी ID घोटाला, धान घोटाला, चावल घोटाला, बाजरा खरीद घोटाला, सब घोटालों को लिस्ट है। आपके घोटाले की सरकार है, जनता समझ चुकी है, और अब जो मैंने आपको आंकड़े दिया आप हमने आंकड़े दीजिए, तब मानूंगा आप सही में प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। ठीक है रामराजी शर्मा जी, देखिए विधानसभा चुनाव से पहले सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन मंत्री JP दलाल का जो बयान सामने आया इस समय सुर्खियों में है, क्या मायने हैं उस बयान के? क्या बयान था जी? हेलो जी शर्मा जी, दोबारा अपनी बात को दोहराइए। आपने क्या कहा है JP दलाल जी का बयान है? देखिए नीरज गुप्ता कह रहे हैं कि JP दलाल ने यह बयान दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी लेकिन 6 महीने बाद सरकार गिरा दी जाएगी। ऐसा है, मैंने ना तो कहीं समाचार पत्रों में ये बयान पढ़ा, ना कहीं सोशल मीडिया पर पढ़ा। अब ये JP दलाल ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है मैं कैसे उस पर टिप्पणी कर सकता हूँ? मैं इतनी कह सकता हूँ देव तुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है, और देव तुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, और नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है, वो जनता के बीच में रहते हैं, और जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद है, हमने 56 साल में OBC समाज से CM बनाया है, इन्होंने क्यों नहीं बनाया भाई? और दूसरा क्या SC BC समाज से CM चेहरा डिक्लेयर करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो इससे ये साफ जाहिर होता है ये SC BC समाज के विरोधी है। और आगे बताऊं आपको, जिस तरह से युवाओं के हृदय सम्राट हैं छत्ती बरादरी के मसीहा हमारे मुख्यमंत्री जी, और जनता के बीच में रहते हैं, और किसान की जो पीड़ा को वही बेहतर समझ सकता जो किसान का मजदूर का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी दोनों किसान के बेटे हैं, और उन्होंने खुद भी किसानी करी है, और ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, देव तुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद इनके साथ बना हुआ है। और जिस तरह से कांग्रेस की झूठ का पर्दाफाश हो गया है, इन्होंने झूठ बोल के 2-4 सीटें हथिया लिए हैं, तो जनता जाग चुकी है। इन्होंने झूठ बोला, कितना बड़ा झूठ बोला, आप देखिए आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आ रहे हैं, 8.5 हजार रुपए महीना आ रहे हैं, 8.5 हजार आ रहे हैं, सारी बहनों के पास गारंटी कार्ड झूठे बांट दिए इन्होंने, और अब वो बहने पीछे पीछे इनके दौड़ रही है, वो गारंटी कार्ड वाले आगे से भाग रहे हैं। अरे भाई गारंटी कार्ड वालों, ये गारंटी कार्ड देख लो, 8.5 हजार तो दे दो, 1 लाख तो तुम पाओ को ना,
ये भागे भागे फिर रहे, बहने इनको पीछे पीछे दौड़ रही। तो जिस तरह से इनकी झूठ का पर्दाफाश हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, इनकी झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं, अब इनके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं। राक्षस है वो, कहते हैं बीजेपी का वोटर राक्षस है, और फिर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती से शराब देता हूँ। अरे मेरे भाई, आपका शराब तो एक दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? ये देवतुल्य जनता जनार्दन है, कल तक आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है। जो इनका काम करेगा, जनता के बीच में रहेगा, जनहित के कार्य करेगा, जनता उसको सत्तासीन करेगी। और जिस तरह से आपने शराब दिया है, अरे मेरे भाई, शराब उसको दो जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। आपने वहां पे राजस्थान में जाके एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। अरे जनता का क्या कसूर है मेरे भाई? या तो देवतुल्य भगवान का रूप है। और जिस तरह से जनता का छठी बरादरी का आशीर्वाद हमारे मुख्यमंत्री को मिल रहा है, और जिस तरह से एक सहयोग की बात है, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, जो हमारे चाणक्य की भूमिका में है, आदरणीय हमारे जो बहुत ही लोकप्रिय गृह मंत्री हैं, जो लोक पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, अमित शाह जी, उनकी चाणक्य नीति, मनोहर जी का आशीर्वाद, और ये राम लक्ष्मण की जोड़ी प्रदेश अध्यक्ष की और हमारे मुख्यमंत्री जी की, ये जन जन को भारी है, और ये विशेष कृपा है भगवान की भी। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ जनता के आशीर्वाद से तो तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, और दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री जो देवतुल्य मुख्यमंत्री हमारे, और दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बनने जा रहे हैं। तो ये तो झूठ है, अब झूठ कब तक ये बोलते रहेंगे? काट की अभी 1% में तीन की चटगी। और जिस तरह से जनता का कार्य हो रहा है सरकार में, गरीबों के बच्चे नौकरी लग रहे हैं भाई, इनकी जो ठेकेदारी प्रथा थी हमने बंद कर दी, और उनको कौशल रोजगार निगम में हमने रोजगार की भी गारंटी दे दी, सबसे ज्यादा नौकरी हमारी सरकार ने लगाया, और इनकी ठेकेदारी बंद करके हमने कौशल रोजगार में बच्चे लगाए। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं हैं और जनता को भारी है, और सबसे ज्यादा नौकरियां इनके टाइम में तो ये शर्म आनी चाहिए, इनको नौकरियों की बात करते हैं। अरे मेरे भाई, नौकरी तो रोज अखबार लिख रही है कौन, और निवासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? आप नौकरियों की बात करते हो। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं, इनकी झूठ का पर्दाफाश हो गया है, और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, आगे भी हमारी सरकार बनेगी और नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जी नीरज गुप्ता जी, देखिए चुनाव को लेकर रणनीति मजबूत करने में तो सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि झूठा नैरेटिव सेट करके आप इस रण का सहरा अपने सर पर सजाना चाहते हैं। जाम लगा रहे हैं हमारे रास्ते में आते हुए। अरे आपको तो शर्म आने चाहिए, आपके उस समय मुख्यमंत्री पद पे होते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं के पंडित जी को क्या बोला? तेरी गर्दन फर्श से उड़ा दूंगा। क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करा? कोई आम आदमी धमकी दे उसमें फौरन पुलिस मुकदमा दर्ज करते हैं, वो तो सीएम थे, पकड़ लेते हैं, रिकॉर्ड मारती सीबीटी चैनल में, तेरी गर्दन फर्श से उड़ा दूंगा। इसका क्या मतलब है कि आप जनता को भेद सुन रहे, और आपका एक कार्यकर्ता आपका सम्मान कर रहा है आपके मुख्यमंत्री का, उसे कह रहे पंडित तेरी गर्दन से फर्श से उड़ा दूंगा? बताओ कितनी बड़े शर्म की बात है। और यहाँ बात करते हैं, डिबेट करते हैं, शर्म की बात करते हैं। अरे आपको तो रिकॉर्ड है, पूरे चाहे सीएम हो, सीएम कानून से ऊपर कोई मुकदमा दर्ज करके अंदर भीतर देते हैं, क्यों नहीं दिया भीतर? सर आप धमकी दे रहे हैं, फर्श से गर्दन उड़ा दूंगा, क्या मतलब है इसका? फर्श से गर्दन उड़ा दूंगा, आज कोई शहर में कट्टा लड़ाए, तलवार लड़ाए, उस पर फौरन हत्या का प्रयास में उसके अंदर रहती है, क्यों नहीं खट्टर साहब को अंदर किया? देखिए सब बरगलाने वाली बातें, मेरे जवाब का इन्होंने कोई डाटा नहीं दिया। कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया तो बात करें, कोई ने रोजगार दिया तो बात करें, एमबीबीएस की फीस 40 लाख की करी तो बात करें। अब हमारे ऊपर से हम डिबेट करेंगे और रिकॉर्ड फालतू बातें नहीं करेंगे। मेरे पास तो पूरा डाटा है, 10 साल वर्सेस 10 साल, अगर इनमें दम है तो डिबेट करें, क्योंकि उनका कोई डाटा ही नहीं। इनको तो झूठ बोलने मशीन है, टेप रिकॉर्ड अटक जाता है वहीं कि भाई ये झूठ चल गया, ये चल गया, 2-4 सीटें 5 सीटों को 2-4 सीटें बोलते हैं, सरे हम झूठ बोलते हैं। अरे 40 लाख फीस कर दी बच्चों की मेडिकल फीस, क्यों करी 40 लाख रुपए बताइए? हमारे टाइम में 40,000 फीस थी, ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लिए, अगर आप मोबाइल चलाना जानते हैं, इंटरनेट यूज करना जानते हैं, 40,000 फीस क्यों करी आपने बताइए? गरीब के गरीब की बात करते हैं तो गरीब का बच्चा डॉक्टर कैसे बनेगा? 40 लाख फीस कौन देगा? गरीब आदमी देगा, अमीर आदमी देगा? बताइए मुझे। इसलिए झूठ का पर्दा आपका फाट चुका है। और 15 लाख खाते में आएंगे, किसने जुमला दिया था भैया? 15 लाख शायद आपको मिल गए ना, बीजेपी ने अपने सारे प्रवक्ताओं को सारे कार्यकर्ताओं को बांटे, इसलिए आप उनकी डिबेट करने बैठे हैं। वो अगर 15 लाख का जुमला था तो हमारे पीछे क्यों पड़े आप? हमारी तो सरकार नहीं बनी हुई, अगर हमारी सरकार बनती हम झूठ देते। आप तो अपना वादा करो, आपकी तो तीसरी बार सरकार बनी है भैया, 15 लाख तो दे दो, पब्लिक देख रही है आपको। देखिए झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, मैं फिर भी ज्यादा घमंड ना बात करके
ये बात बोलूंगा, देव जनता भगवान के समान है, भगवान हमें आशीर्वाद देगा, जनता से बड़ा कोई नहीं, जनता राजा से रंग, रंग से राजा अपना तो देने लगती, जनता तय करेगी किसने अच्छा काम किया, ये फैसला मैं जनता में छोड़ता हूँ। जय भारत, जय कांग्रेस। जी आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बीत चुकी है, सभी दल पूरे दमखम से जनता के बीच उतरकर प्रचार प्रसार में जुटे हैं, रणनीति बनाने का दौर जारी है, वोट बैंक मजबूत करने के लिए सभी दल लगातार मंथन कर रहे हैं, अपने आप को जनता का हितैषी बता रहे हैं, लेकिन असल मायने में जनता किसे अपना हितैषी मानती है और सूबे की बागडोर जनता किसे सौंपेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।